हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में आप एक डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सीखेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से ही आपके सामने है, x पावर 1 अपॉन 6 प्लस x पावर 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय x पावर 1 अपॉन 3 प्लस x पावर 1 अपॉन 2 dx। ओके ओके, अब इसे कैसे करें देखो। तो इस तरह के व्हेन एवर यू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो व्हाट वी डू, यहां पे डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है, 6 4 3 2। इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम इज 12। तो आपको क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू टी पावर 12। तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करो, ये हो गया। ओके, अब हम इसको दोबारा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की जगह पे t की पावर 12 पुट करेंगे तो 6 से 12 कटेगा, 2 बच जाएगा। सो इट इज x2 प्लस t पावर 2 प्लस t पावर, यहां पुट करेंगे 12, सो 12 पावर 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4 इज 3, यहां पे 12 अपॉन 3 आ जाएगा 4 प्लस t पावर, यहां पे पुट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। और dx की जगह पे ये आएगा 12 टी 11 डी टी। ओके, अब ये हम 12 आगे लेंगे। अच्छा, यहां पे ये टी स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस टी, और यहां पे टी की पावर 4 कॉमन है, 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो टी पावर 2 से ये कट है, 2 और 2 फिर यहां कैंसिल हो जाएगा, इट इज 11, तो ये 9 बच जाएगा। ओके, यानी टोटल टी की पावर कितना है यहां पे, 13, और यहां 4 है तो टी पावर 9 बच जाएगा। टी पावर 9 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टी पावर 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, मैंने थोड़ा इसे पहले लिख दिया, इसे बाद में। वी हैव दिस सिचुएशन नाउ, अब हमें यहां पे डिवाइड करना, और ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, टी 10 प्लस टी 9 को डिवाइड करना है हमने टी 2 प्लस 1। ओके, यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यही इसका थोड़ा लंबा स्टेप है, टी 8 टी 10 प्लस T8, ये हुआ T9 माइनस T8, अब फिर ये लिखेंगे प्लस T7, तो यहां पे आ जाएगा T9 माइनस अब प्लस T7, यहां पे साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ये माइनस T8 माइनस T7, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस T6, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया T6। ओके, फिर साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस T7 प्लस T6, तो ये हो जाएगा माइनस T5 फिर साइन चेंज, नाउ वी हैव T6 प्लस T5 प्लस T4, और ये आ जाएगा यहां पे T6 प्लस T4, साइन चेंज, तो ये कट गया, यहां पे आएगा T5 माइनस T4। ओके, फिर ये हो जाएगा T3, आई एम श्योर आपको ये सब समझ आ रहा होगा कि कैसे हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, T5 प्लस T3 अगेन कैंसिल, ये हो गया माइनस T4 माइनस T3। ओके, अब यहां पे हम लेंगे माइनस T2, तो ये हो जाएगा माइनस T4 माइनस T2, साइन चेंज, माइनस T3 प्लस T2 माइनस T माइनस T3 माइनस T
ओके, माइनस टी आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, अगेन साइन चेंज, और यहाँ पे हमारे पास बचा टी स्क्वायर प्लस टी, तो यहाँ पे करेंगे प्लस वन, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन साइन चेंज टी माइनस वन। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ओके, तो इसमें ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर रहा हूं फिर से। ओके, यहां इतना, तो ये हो गया है 12 इंटीग्रेशन, ये सारा हम लिखेंगे T8 प्लस T7 माइनस T6 माइनस T5 प्लस T4 प्लस T3 माइनस टी स्क्वायर। ओके, और माइनस टी प्लस वन, और साथ में ये भी है तो प्लस टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास फाइनली आ गया है। अब ये हो जाएगा 12, सबको इंटीग्रेट करना है। यहां पे अभी अभी यहां पे इंटीग्रेट नहीं करते हैं, एक स्टेप ऐसा लिखना है हमें T8 T7 माइनस T6 माइनस T5 प्लस T4 प्लस T3 माइनस T2 माइनस टी प्लस वन, इसको हमने अलग करना है, टी स्क्वायर प्लस वन वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद T9 अपॉन 9 प्लस T8 अपॉन 8 माइनस T7 अपॉन 7 T6 अपॉन 6 T5 अपॉन 5 T4 अपॉन 4। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट अब इरेज कर रहा हूं। अब इसका होगा टी क्यूब अपॉन 3, ये होगा टी स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज टी। अब यहां पे देखो, अगर आप 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हो और 2 से ही डिवाइड करते हो तो ये सिंपली हो जाएगा लॉग टी स्क्वायर प्लस 1। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये आपको पता है टेन इनवर्स का होता है, टेन इनवर्स टी, ये आ गया। ओके, और फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा 12। अब टी की जगह पे हमें वापस पुट, हमने क्या पुट किया था शुरू में, एक्स इज टी पावर 12, तो टी क्या है, एक्स पावर 1 अपॉन 12, तो वापस पुट कर देंगे, तो यहां पे एक्स पावर 9 अपॉन 12 अपॉन 9 प्लस एक्स पावर 8 अपॉन 12 अपॉन 8 माइनस 7 अपॉन 12 अपॉन 7 माइनस 6 अपॉन 12 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 12 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 12 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 12 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 12 अपॉन 2 एंड प्लस 1 अपॉन 12। ओके, एक्स की जगह, टी की जगह पे एक्स पावर 1 अपॉन 12, और उसके बाद है हाफ लॉग टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इज एक्स पावर, यहां स्क्वायर करेंगे तो 2 अपॉन 12,
प्लस वन। अच्छा, और ये माइनस टेन इनवर्स, अगेन हमारे पास टी है तो एक्स पावर 1/12 प्लस सी, और ये फाइनल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ओके ऑलराइट, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। टेक केयर।